नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है टॉप 10 खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं टॉप 10 खबरों का सिलसिला। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल विजेता मनु भाकर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। उद्धव ठाकरे बोले, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकिन। भारत में घुसपैठ की फिराक में बांग्लादेश का रेडिकल ग्रुप अलर्ट पर बीएसएफ। पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य का 80 साल की उम्र में हुआ निधन। शेयर बाजार में फिर सुस्ती, सेंसेक्स 200 अंक और निफ्टी 60 अंक नीचे आया। महावीर फोगाट का बयान, विनेश घर आएगी तो उसे समझाएंगे कि संन्यास का फैसला बदल ले। UIDAI ने बदले नियम, अब आधार कार्ड में जन्मतिथि और नाम बदलवाना आसान नहीं होगा। सीडीएस जर्नल अनिल चौहान, पड़ोस में अशांति हमारे लिए चिंता का विषय है। जम्मू कश्मीर जाएगी चुनाव आयोग की टीम, कुछ दिनों में हो सकता है इलेक्शन डेट का ऐलान। लखनऊ कानपुर समेत यूपी के कई जिलों में आज भारी बारिश की संभावना। टॉप 10 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।